हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू द 10th चैप्टर ऑफ 8th महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री। नेम ऑफ द चैप्टर इज आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट दैट हैपन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। सो फ्रीडम मूवमेंट में हमने अब तक देखा था कि पहले जो भी चैप्टर्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था। 9th चैप्टर में हमने इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन अभी जो ये चैप्टर है 10th चैप्टर, इसमें हम जो आर्म्ड रिवॉल्यूशन हुआ था, आर्म्ड मतलब क्या, जिन्होंने वेपन्स यूज़ किया, मतलब गन, किसी ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा, बॉम्ब्स यूज़ किया, तो ऐसे जो लोग थे, जो ये लोग थे बिलीव करते थे कि पीसफुली हमें कभी फ्रीडम नहीं मिलने वाला है, मतलब पीसफुली प्रोटेस्ट करके, धरना करके या फिर मोर्चा निकाल के प्रोटेस्ट करके कभी फ्रीडम नहीं मिलने वाला है। इनका मानना था कि हमें अगर फ्रीडम चाहिए तो हमें ब्रिटिशर्स को हराना पड़ेगा, उनके खिलाफ वॉर करना पड़ेगा, गन्स यूज़ करना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा, तभी हमें फ्रीडम मिल सकता है, ऐसे कुछ लोगों का बिलीव था। तो ऐसे लोगों ने एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट किया था जो था आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी, मतलब क्या, ये लोग मानते थे कि हम उन्हें हराएंगे, उन्हें डराएंगे, तभी वहाँ से निकल सकते हैं। गांधी जी और कांग्रेस का मानना था कि नहीं, हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो ये दो अलग अलग विचारधारा था, दो अलग अलग विचारधारा थी या दो अलग अलग थिंकिंग था। जो पहले हमने चैप्टर्स में क्या पढ़ा, जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस चैप्टर में हम आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। द एजिटेशंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म वेर कैरिड आउट इन वेरियस वेज इन इंडिया, मतलब अलग अलग तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमने अब तक पढ़ा कि पीसफुली हो रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी खड़ा किया था। वैसे ही कुछ लोग थे जो आर्म्ड रिवॉल्यूशनरी थे। वी हैव स्टडीड अबाउट द अपराइजिंग बिफोर 1957। सो 1957 में हमने देखा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अपराइजिंग हुआ था। नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे लोग इकट्ठा आए थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने फाइट किया था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुआ, ठीक है, इन 1857। इन द लेटर पीरियड राम सिंह कुहा ऑर्गेनाइज द रिबिलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सो गवर्नमेंट जो पंजाब में गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उसके अगेंस्ट राम सिंह कुहा ने एक ऑर्गेनाइज किया था, रिबिलियन ऑर्गेनाइज किया था। रिबिलियन मतलब क्या, कि बहुत सारे लोग इकट्ठा आते हैं और एक फाइट करते हैं, उठाव बोलते हैं हिंदी में, कि वो लोग गुस्सा होते और गवर्नमेंट के खिलाफ फाइट करते, सो दैट इज़ रिबिलियन। इन महाराष्ट्र वासुदेव बलवंत फड़के, गिव द आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। इनको पहला आर्म रिवॉल्यूशनरी माना जाता है, क्रांतिकारक। रिवॉल्यूशनरी मतलब क्या, क्रांतिकारक। ये पहले रिवॉल्यूशनरी थे महाराष्ट्र के, वासुदेव बलवंत फड़के। गिव आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश, ही अज्यूम दैट देर शुड बी आर्म स्ट्रगल टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। तो इनका मानना था कि ब्रिटिशर्स कभी पीसफुली नहीं जाने वाले, हमें उनके खिलाफ आर्म स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमें हथियार उठाना पड़ेगा और उन्हें मारना पड़ेगा या उनको हराना पड़ेगा। ही टुक द ट्रेनिंग ऑफ आर्म्स फ्रॉम वस्ताद लहुजी साल्वे। वस्ताद मतलब क्या, ट्रेनर जो होता है, टीचर होता है, उसे उस्ताद या वस्ताद बोलते हैं, जो ज़्यादा करके जो कुश्ती सिखाते हैं या फिर फाइटिंग करना सिखाते हैं, वो थे लहुजी साल्वे। ही ऑर्गेनाइज द रामोशीज एंड रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। रामोशीज मतलब क्या, एक आदिवासी ट्राइब होती है, आदिवासी लोगों की जमात होती है, उनको उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उनका एक आर्मी बनाया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया। दिस रेबिलियन बिकम अनसक्सेसफुल, द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट हिम टू एडन जेल। अभी देखो, इनके पास ज़्यादा मॉडर्न वेपनरीज नहीं थी, ब्रिटिशर्स के पास गन्स थे, मॉडर्न वेपन्स थे, तो इनके खिलाफ फाइट नहीं कर पाए, तो उनको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। ही डाइड इन 1883 बट ही बिल्ड अप एन आर्म स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। लेकिन उनसे इंस्पायर होकर बहुत सारे लोगों ने बाद में आर्म्स उठाए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट किया। जो पहले थे, पहले क्रांतिकारक थे महाराष्ट्र के, वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है, उनको आद्य क्रांतिकारक भी बोलते हैं, आद्य मतलब पहले। नाउ चाफेकर ब्रदर्स, इन 1897 द प्लेग कमिश्नर रैंड हैड रिसॉर्टेड टू ट्रानी एंड फोर्स वाइल मैनेजिंग द एपिडेमिक ऑफ प्लेग इन पुणे। एपिडेमिक क्या होता है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो ये पैंडेमिक है, पैंडेमिक मतलब क्या, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, वैसे एपिडेमिक मतलब क्या, कुछ रीजन में चलता है। तो पहले एक बीमारी होती थी प्लेग, जो चूहों के वजह से होती थी, वैसे पुणे में बीमारी हुई थी, तो जो उसको कंट्रोल करने के लिए जो एक ऑफिसर को अपॉइंट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसका नाम था रैंड, ठीक है, रैंड को कमिश्नर था पुणे का, उसे अपॉइंट किया था। तो रैंड ने बीमारी को ख़त्म करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, देखो बीमारी बचाने के लिए, अभी आपने देखा होगा कोरोना में कि कैसे लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है, घर से लेके जाते हैं, वहाँ से क्वारंटाइन किया, लेकिन गवर्नमेंट कैसे पीसफुली करता है, कोई फोर्स नहीं करता है। लेकिन रैंड ने बहुत बुरी तरीके से लोगों को हैरास किया, उनके घर में घुसा, उनको तंग किया, तो इसका गुस्सा था चाफेकर ब्रदर्स को, ठीक है, चाफेकर सरनेम में, चाफेकर ब्रदर्स मतलब क्या, दो भाई थे, दामोदर एंड बालकृष्ण, शॉट डेड, उसको चाफेकर ब्रदर्स ने रैंड को, और उनके कुछ दोस्त थे लोकमान्य तिलक से इंस्पायर्ड थे, तो
तो उन्होंने चाफेकर ब्रदर्स ने रैंड को मार दिया। सो शॉट डेड ऑन 22 जून 1897। दामोदर बालकृष्ण एंड वासुदेव वेर थ्री ब्रदर्स, सॉरी मैंने दो बोला गलती में, तीन ब्रदर्स थे दामोदर बालकृष्ण एंड वासुदेव। दिस थ्री ब्रदर्स एंड देयर एसोसिएट, मतलब उनका दोस्त महादेव रानाडे वेर हैंग्ड, तो इन चारों को फांसी दे दिया। ये बहुत यंग थे, 20 साल के भी कुछ नहीं थे, बहुत सारे बहुत यंग थे, लेकिन उनको फांसी दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फ्रॉम द सेम हाउस थ्री ब्रदर्स एक्सेप्टेड मार्टिरडम फॉर द सर्विस ऑफ कंट्री, मतलब एक ही घर के तीन भाइयों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया। ड्यूरिंग द सेम पीरियड मुंडा ट्राइब इन बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदिवासी लीडर थे। ये ट्राइब मतलब क्या, आदिवासी लोग थे, तो वो आदिवासी लोगों के लीडर थे, आदिवासी लोगों को इकट्ठा किया था और उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया था बिहार में। लेकिन इनका भी जो फाइट था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि इनके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, ब्रिटिशर्स के पास मॉडर्न वेपन्स थे, तो ये रिवॉल्ट ज़्यादा करके अनसक्सेसफुल था। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट अभिनव भारत। इन 1900 स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर फाउंडेड मित्र मेला, मित्र मतलब क्या दोस्त, उनका मेला मतलब एक ग्रुप, ठीक है, और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिवॉल्यूशनरीज इन नासिक। सावरकर नासिक से थे, तो उन्होंने अपने जो दोस्त थे, उनके एसोसिएट्स थे, उनके साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था मित्र मेला। इन 1900 द सेम ऑर्गेनाइजेशन वॉज रीनेम्ड एज अभिनव भारत, तो कुछ साल बाद उसका नाम रखा गया अभिनव भारत। इन 1904 सावरकर वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़, तो सावरकर बैरिस्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ भी उन्होंने अपने जो दोस्त थे उनको इकट्ठा किया, अलग अलग रीजन से जो लोग आए थे, इंडियंस थे, उनको इकट्ठा किया और ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट करना स्टार्ट कर दिया। सो ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडीज़, फ्रॉम देयर ही बिगेन सेंडिंग रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर गन्स एक्सेट्रा टू द मेंबर्स ऑफ अभिनव भारत। तो बहुत आपने देखा होगा कि बहुत मोटी बुक होती है, तो बुक को बीच में कार्व करते थे, उसको कार्व करके उसके अंदर गन डाल देते थे और बुक को छुपा के अब बुक को कुरियर करते थे इंडिया में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता था कि बुक आ रही है लेकिन उसके अंदर गन होती थी। तो ये गन सब ऐसे रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर क्या होता है, बुक्स, जो वहाँ के जो इंस्पिरेशनल लोग हैं उनके बुक्स सब भेजते थे। ठीक है, सो मेंबर्स ऑफ अभिनव भारत इन इंडिया, ही रोट एन इंस्पायरिंग बायोग्राफी ऑफ जोसेफ मेज़िनी। मेज़िनी ये रिवॉल्यूशनरी था, इटली का रिवॉल्यूशनरी था, मतलब एक क्रांतिकारक था, ये लोग भी क्रांतिकारक थे, तो उसका इंस्पिरेशन लेके, मेज़िनी का इंस्पिरेशन लेके इंडिया में भी लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करेंगे, इसलिए उन्होंने एक बायोग्राफी लिखा मेज़िनी का। ही रोट अ बुक एंटाइटल 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमने 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें ब्रिटिशर्स मानते थे कि ये वॉर नहीं था, एक कुछ लोगों ने मिल के कुछ फाइट किया था लेकिन इसका कुछ ऑर्गेनाइज नहीं था, ऐसा सब ब्रिटिशर्स मानते थे। लेकिन सावरकर ने अपने बुक में 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बताया कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। सो ही वॉज अ फर्स्ट पर्सन हु सेड दैट दिस इज अ वॉर ऑफ, दिस वॉज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट हैपेंड इन 1857। ठीक है, वेर एंड ही स्टेटेड दैट रिवॉल्ट वॉज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स मानते थे कि ये रिवॉल्ट है, रिवॉल्ट मतलब क्या, कुछ प्लान नहीं, गुस्सा आ गया तो लोग फाइट करने लगे। लेकिन सावरकर ने बताया कि नहीं, ये एक आर्म्ड रिवॉल्यूशन, सॉरी एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, सो उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है। ठीक है, स्वतंत्र वीर सावरकर वॉज सेंटेंस टू 50 ईयर्स ऑफ रिगरस इंप्रिजनमेंट एट अंडमान। सावरकर को ब्रिटिशर्स ने बाद में पकड़ा, उनको एक केस में पकड़ लिया और उन्होंने अंडमान में जेल में डाल दिया था। अंडमान का जो जेल है वो बहुत डेडलीस्ट जेल था, उसे काला पानी की शिक्षा बोलते हैं, ठीक है, बोला जाता था। सो ही वॉज देयर फॉर 10 ईयर्स, तो वहाँ वो 50 ईयर्स का उनको इम्प्रिजमेंट हुआ था, 50 ईयर्स, लेकिन उनको 10 ईयर वहाँ रहे, उनके बाद उनको छोड़ा गया वहाँ से, वो रत्नागिरी उनको हाउस अरेस्ट किया गया। ही वॉज देयर फॉर 10 ईयर्स। इन हिज ऑटोबायोग्राफी माजी जन्म ठेप मतलब क्या कि इम्प्रिजमेंट, जिंदगी भर आपको जेल में रहना है, मतलब 50 साल आपको जेल में रहना है। माजी मतलब क्या, मेरी, तो मेरी जन्म ठेप, मेरा जो, उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा उसका नाम था माजी जन्म ठेप। ही रोट डाउन हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ टेरेबल डेज इन अंडमान। लेटर द गवर्नमेंट टुक हिम टू रत्नागिरी इज इन महाराष्ट्र, तो उनको अंडमान से रत्नागिरी भेजा गया और उनको वहाँ डिटेन किया गया, मतलब घर में बंदी बनाया गया वहाँ। देयर सावरकर स्टार्टेड मेनी सोशल मूवमेंट्स सच एज रिमूवल ऑफ कास्ट डिफरेंसेस, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, कॉमन डाइनिंग, प्यूरिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज एक्सेट्रा। सावरकर पहले उनको जेल में डाल दिया अंडमान में, फिर उन्होंने उनको रिलीज़ किया गया और उनको रत्नागिरी भेज दिया। लेकिन उनको, उनका और ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक बात हुआ था कि वो उसके आगे गवर्नमेंट के खिलाफ कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चलाएंगे, ठीक है, तो उन्होंने सोशल मूवमेंट स्टार्ट किया। बाद में उन्होंने उनका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का बात था वो नहीं माना, उन्होंने कुछ टाइम बाद पॉलिटिकल मूवमेंट चलाया, लेकिन कुछ देर तक वो सोशल मूवमेंट चलाते थे।
जैसे कि रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। सावरकर हिंदू थे और हिंदू सोसाइटी में अनटचेबिलिटी एक बहुत खराब परंपरा थी, या ठीक है मतलब क्या, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें अनटचेबल करके ट्रीट करते थे, उन्हें कभी एक साथ नहीं लिया जाता था। तो इसे ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक मूवमेंट चलाया। उसके बाद कॉमन डाइनिंग, डाइनिंग मतलब क्या, खाना। पहले अलग अलग कास्ट के लोग इकट्ठा खाना नहीं खाते थे, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइज़ किया कि सभी सभी लोग मिल के इकट्ठा खाना खाएंगे, जो लोअर कास्ट के हायर कास्ट के सभी लोग मिल के खाना खाएंगे। प्योरीफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब मराठी लैंग्वेज को नए नए शब्द, नए नए शब्द उन्होंने दिया। उनके जो बुक्स है वो आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे बुक्स होते हैं उनके, तो लैंग्वेज को प्योरीफाई किया। जो इंग्लिश वर्ड्स है उसके उसके अगेंस्ट उन्होंने नया वर्ड दिया, ठीक है। कास्ट डिफरेंसेस ये सब उन्होंने ख़त्म करने के लिए काम किया। ही वॉज अ ग्रेट राइटर, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मराठी साहित्य सम्मेलन एट मुंबई इन 1938। तो मराठी साहित्य सम्मेलन, साहित्य मतलब क्या, लिटरेचर। सो लिटरेचर का एक सम्मेलन होता है हर साल, जो बड़े 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 राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, वो इकट्ठा आते हैं और कोई ना कोई सिटी में लिटरेचर होता है, लिटरेचर का फेस्टिवल होता है। अभी नासिक में ये मराठी साहित्य सम्मेलन चल रहा है, 1938 में मुंबई में हुआ था, तो उसके वो अध्यक्ष थे, उसके वो हेड थे, ठीक है। गवर्नमेंट केम टू नो अबाउट एक्टिविटीज़ ऑफ अभिनव भारत, देयर फॉर गवर्नमेंट अरेस्टेड बाबाराव सावरकर, सावरकर के भाई, बड़े भाई बाबाराव सावरकर, उनको जेल किया गया। ही वॉज सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट एज अ रिवेंज टू दिस। लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब क्या, उम्र कैद, ज़िंदगी भर उनको जेल में रहना है, तो उनको जेल में डाल दिया। तो इससे गुस्सा होके एक लड़के ने, जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हेरे, उन्होंने जो नासिक का कलेक्टर था जिसका नाम था जैक्सन, उसे गोली मार दिया, उसे मार दिया। द गवर्नमेंट स्टार्टेड अरेस्टिंग ऑल दोज पीपल हु वर कनेक्टेड विद अभिनव भारत ऑर्गेनाइजेशन। द मर्डर ऑफ जैक्सन वॉज लिंक टू स्वतंत्र वीर सावरकर बाई गवर्नमेंट। तो जैसे मैंने पहले बोला कि सावरकर को अरेस्ट किया गया, तो क्यों, क्योंकि अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने जो जैक्सन को मारा था, तो उसका लिंक सावर तक पहुँचा, उनके उन तक पहुँचा। द मर्डर ऑफ जैक्सन वॉज लिंक्ड विद स्वतंत्र वीर सावरकर बाई गवर्नमेंट। ही वॉज अरेस्टेड एंड पुट अंडर ट्रायल। ट्रायल मतलब क्या, उनके अगेंस्ट केस चला। द कोर्ट ऑर्डर हिम रिग्रेस इंप्रिजनमेंट फॉर 50 ईयर्स। तो हमने देखा था कि उनको काला पानी छोड़ भेज दिया था, 10 ईयर्स के बाद उनका जो सज़ा था वो माफ़ हो गया, लेकिन उनको वापस रत्नागिरी भेज दिया गया। रत्नागिरी में उनको घर हाउस अरेस्ट में रखा गया, मतलब वो गवर्नमेंट का परमिशन लिए बिना रत्नागिरी के बाहर नहीं जा सकते। वहाँ उन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इकट्ठा आके सोशल मूवमेंट चालू किया, ठीक है। ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल ही हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये अभी हमने फिलहाल महाराष्ट्र का जो था वो देखा, जिसमें हमने देखा फर्स्ट क्रांतिकारक थे वासुदेव बलवंत फड़के, देन वी लर्न अबाउट चाफेकर ब्रदर्स, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर रैंड को मारा था, ठीक है। एक ही घर के तीन भाइयों ने मिल के उसे मारा था, तो उनको कम, बहुत कम उम्र में, 25 भी उनकी एज नहीं थी, उनको फांसी दे दिया गया। देन वी हैव स्टडीड अबाउट स्वतंत्र वीर सावरकर, वी हैव स्टडीड अबाउट अभिनव भारत, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, बंगाल में जो रिवॉल्यूशनरी थे उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, और कुछ रिवॉल्यूशनरी जो बाहर काम करते थे, इंडिया के बाहर से काम करते थे, जैसे मैडम भिकाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनके बारे में भी हम बात करेंगे, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट। सो इन द सेकेंड पार्ट वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव, राजगुरु, सूर्या सेन, इनके बारे में भी बात करेंगे। If you have understood, share this video with your friends and subscribe for more videos. Thank you for watching.